नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है बोट एक्सटेंड स्पोर्ट स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है 2499 में। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ये अच्छी वॉच है। ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसमें आपको मिलते हैं 700+ एक्टिव मोड, मतलब कि कोई भी छोटी मोटी जो एक्टिविटी है उसे भी आप वर्कआउट मोड में ऐड कर सकते हो। 1.69 इंच का HD डिस्प्ले, 30 मिनट्स फास्ट चार्जिंग, तो फुल चार्ज करने के लिए आपको 2-3 घंटे वेट नहीं करना है, केवल आधे घंटे में ये स्मार्ट वॉच फुल चार्ज हो जाती है। इसके अलावा इसमें है एनर्जी इन स्लीप स्कोर, लाइव क्रिकेट स्कोर, हार्ट रेट, SpO2 और टेम्परेचर मॉनिटर, वेलनेस क्रू और फिटनेस बडीज, कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल, कॉल टेक्स्ट एंड सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, क्लाउड एंड कस्टम बेस्ड वॉच फेसेस, कस्टम फिटनेस प्लान्स, IP67, डस्ट स्वेट एंड स्प्लैश रेसिस्टेंट। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो बॉक्स में आपको मिलती है इतनी चीजें। यह है यूजर मैनुअल, थैंक यू कार्ड, बोर्ड का प्रोडक्ट लीफलेट, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड, 1 ईयर की वारंटी आपको मिलती है, आपको इस नंबर पर मिस कॉल देना है, वारंटी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। और यह है बोट हेड का स्टिकर, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो इसमें है 200 mAh की बैटरी और ये आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। इस तरीके से आपको अटैच करना है और चार्ज करना है, ये अटैच हो जाता है और आप चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो 5 वोल्ट 10 वोल्ट का। जितना स्लो चार्जर यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ के लिए। फुल चार्ज करने के बाद आपको मिल सकता है 5 to 7 डेज का बैटरी बैकअप, आपके यूसेज पर डिपेंड करता है। बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच के फिजिकल ओवरव्यू की, तो वॉच दिखने में काफी बढ़िया है। मेरे हिसाब से ये एक सैंडविच टाइप डिजाइन है, बीच में रेड कलर का एक्सेंट है, जो स्ट्रैप होल्डर है वो भी रेड कलर का है, तो काफी अच्छा लगता है ये। और यहाँ पे बटन, बैक की बात करेंगे तो यहाँ पे SpO2, हार्ट रेट और ये टेम्परेचर सेंसर दिया गया है। बॉडी जो है इसकी प्लास्टिक की है लेकिन अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। और ये है सिलिकॉन के स्ट्रैप्स, इस पे अलग से कुछ पैटर्न दिया गया है जो दिखने में काफी अच्छा लगता है। स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है। और यहाँ पे बकल दिया गया है मेटालिक, आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को ऊपर की ओर खींचकर फिर नीचे करना है ऐसे, फिर बाहर करना है रिमूव करने के लिए, और इंसर्ट करने के लिए नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, फिर इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इंसर्ट करना है अंदर की ओर। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। वॉच को स्विच ऑन करने के लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, तो वॉच स्विच ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है बोट क्रेस्ट। बोट क्रेस्ट इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके बाद आपको इसे करना है ओपन, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट, ओके, डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इस पर टैप करके करिए अलाउ, बैक आइए, फिर कीजिए डन, स्किप, आपका फोन नंबर एंटर कीजिए, फिर टिक कीजिए, सबमिट कीजिए। इसके बाद आपको अपने फोन नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको एंटर करना है और करना है लॉगिन। फिर आपको करना है मैनुअल साइन अप, आपको अपनी फोटो यहां पे सेट करनी तो आप कर सकते हो। आपका नेम, फिर आप ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो लेकिन ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। फिर आपको करना है सबमिट, मेल फीमेल चूज करिए, सबमिट, DOB, डेट, मंथ और ईयर, हाइट, वेट, सबमिट, नेक्स्ट कीजिए। व्हाइल यूजिंग द ऐप, इसमें से आपको चूज करना है एक्सटेंड स्पोर्ट, ब्लूटूथ को ऑन कीजिए, वापस उस पर टैप कीजिए एक्सटेंड स्पोर्ट पे, ये शो कर रहा है एक्सटेंड स्पोर्ट, इस पर टैप कीजिए।
और ये पेयर हो चुकी है, आपको फिर करना है नेक्स्ट। आप रोजाना कितने स्टेप चलना चाहते हो यहां पे अपना गोल सेट करिए, डन कीजिए, टिक कीजिए, ओके कीजिए। तो सबसे पहले इसे सिंक होने दीजिए, सिंक हो रहा है, वेट कीजिए। सिंक होने के बाद आपको इनेबल करना है लाइव क्रिकेट स्कोर को, तो आपको इस पे जो ये आइकन है लास्ट वाला कॉर्नर में, उस पर टैप कीजिए और कीजिए एक्सेप्ट और इनेबल नाउ। इनेबल स्कोर पुश टू वॉच, मतलब कि स्कोर का जो अलर्ट होगा आपको मिलेगा, मिलते रहेगा आपकी वॉच में, आपको इसे इनेबल करना है अगर आप चाहते हो तो। और कैसा आएगा अलर्ट, तो आपको आएगा वाइब्रेशन, तो आप इसे ऑन कर सकते हो। अगर वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो इसे ऑफ ही रखिए। इसके बाद अपडेट इंटरवल, ओडीआई के लिए हर कितने मिनट के बाद आपको स्कोर आना चाहिए वॉच में, तो आप यहां पे टाइम सेट कर सकते हो। मान लो मैंने किया है 15 मिनट, तो हर 15 मिनट के बाद मुझे स्कोर जो है मिलता रहेगा अपनी वॉच में ओडीआई में। अगर T20 है तो यहां पे 2 मिनट 10 मिनट का टाइमर है, मैं करूंगा 10 मिनट। इस तरीके से आप जो टाइम इंटरवल है स्कोर का उसे सेट कर सकते हो। फिर आपको करना है डन, फिर करिए ओके। तो आज की जो भी मैच है यहां पे शो करेगी, आपको उस मैच पे टैप करना है, जिस मैच का आपको स्कोर देखना है उस पे टैप कीजिए और करिए सेव। और आप देखोगे यहां पे स्कोर आपको शो करेगा, अभी चालू होनी है हालांकि मैच। और अगर आपको नहीं पता इसे कैसे देखना है तो आपको होम पेज पे स्वाइप अप करना है, ये है स्कोर, आप यहां पे देख सकते हो। और आपने जो टाइम इंटरवल सेट किया है उस टाइम के हिसाब से आपको स्कोर का अलर्ट आता रहेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले सेटिंग्स की, तो आपको सेटिंग्स के आइकन पर टैप करना है। माय प्रोफाइल पर टैप करके आप अपनी प्रोफाइल फोटो, यूजर नेम, ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट, चलते हुए कदमों की लंबाई और दौड़ते हुए कदमों की लंबाई, इन सभी चीजों को आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हो यहां से। और आपको फिर लास्ट में करना है सेव। फिर है एक्सटेंड स्पोर्ट फीचर्स, तो इस पर टैप कीजिए। इसमें पहला है वॉच फेस, आप यहां से वॉच फेस को डाउनलोड कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट इतने सेट किए गए हैं, आप डायरेक्ट टैप करके यही से चेंज कर सकते हो। आप देख पा रहे हो ये चेंज हो जाएगा अप्लाई करने के बाद इस तरीके से। और अगर आपको वॉच फेस को डाउनलोड करना हुआ तो आपको क्लाउड पर टैप करना है, आपको मिलेंगे यहां पे 120 इतने वॉच फेसेस, आपको जिसे डाउनलोड करना है उस पर टैप करना है। जैसे कि मान लो मुझे डाउनलोड करना है ये वाला, तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा अप्लाई। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, आपको बैकग्राउंड पे टैप करना है, फोटो पे टैप कीजिए, जिस फोटो को आपको सेट करना है उस पर टैप कीजिए, टिक पे टैप कीजिए और फिर आपको करना है अप्लाई। और इस तरीके से जो आपकी फोटो है सेट हो जाएगी। आप देख सकते हो यहां पे एनालॉग क्लॉक शो करता है फोटो के ऊपर में, हमेशा ऐसे ही जो क्लॉक है शो करेंगी फोटो के ऊपर। फिर है सेडेंटरी अलर्ट, तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे बैठे हुए हो आइडली, तो आपको आता है अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए, तो आप इसे ऑन कर सकते हो। फिर आप यहां पे टाइम भी सेट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट होता है 60 मिनट, लेकिन आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा स्टार्ट टाइम, एंड टाइम भी आप सेट कर सकते हो। मान लो मैंने सुबह के 8 से लेकर रात के 9 बजे तक इसे ऐड किया है, मतलब कि जो मैंने टाइम सेट किया है उस टाइम के दौरान ये अलर्ट जो होगा काम करेगा। तो हर 1 घंटे में अगर मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं करूंगा तो मुझे अलर्ट आता रहेगा हर 1 घंटे। फिर आपको करना है सेव, ओके। फिर है अलार्म्स, तो आप यहां पे एक साथ 5 अलार्म्स को ऐड कर सकते हो। आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, टाइम पे टैप करना है, टाइम सेट करना है, एएम पीएम चूज करना है, ओके करना है, रिपीट पे टैप कीजिए, कौन से दिन के लिए आपको करना है, जो रेड में है मतलब उस दिन के लिए अलार्म प्ले होगा, ओके कीजिए। इस तरीके से आप अलार्म को ऐड कर सकते हो और फिर आपको करना है सेव। फिर है नोटिफिकेशन, तो आपको कॉल के लिए ऑन करना है अगर आप चाहते हो कॉल की नोटिफिकेशन शो करे आपकी वॉच में, तो परमिशंस को अलाउ कीजिए। इसके बाद ब्रॉडकास्ट को ऑन करना है, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, एसएमएस के लिए भी ऑन कीजिए, ऐप के लिए भी ऑन कीजिए। और ऐप में आपको मिलेंगे केवल 4 ही ऐप्स, जिसमें है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल।
तो मैं जिन्हें यूज करता हूं उन्हें मैं ऑन करूंगा, तो जिन्हें मैंने ऑन किया है उन एप्स की नोटिफिकेशन मुझे शो करेंगी अपनी वॉच में। फिर आपको करना है सेव। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगर आपको कहीं भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपके वॉच पे। तो इस तरीके से आपको कॉल रिमाइंडर शो करता है, वॉच वाइब्रेट हो रही है और यहां पे कॉन्टैक्ट का नाम शो कर रहा है। दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप यहां पे टैप करके इस कॉल को कट कर सकते हो और इस पे टैप करके जो रिंगिंग बज रही है आप उस रिंगिंग को म्यूट कर सकते हो। इस तरीके से रिंग बजना बंद हो जाएगा आपके फोन में। अब देखते हैं अगर आपको कहीं भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। डिस्प्ले ऑन हो जाता है और वॉच वाइब्रेट करने लगती है, अच्छी बात है। और यहां पे आप 4 से 5 लाइन जो मैसेज है उसे रीड कर सकते हो, हालांकि हिंदी और इमोजी सपोर्ट नहीं करते। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो आपको होम पेज पे स्वाइप राइट करना है और ये हो मैसेज ऊपर वाला, उस पर टैप कीजिए और आप उस मैसेज को यहां पे रीड कर सकते हो इस तरीके से। अब देखते हैं अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। तो व्हाट्सएप में भी डिस्प्ले इसका ऑन हो जाता है और वॉच वाइब्रेट करती है, काफी ज्यादा समय के लिए यहां पे मैसेज शो होता है, अच्छी बात है। तो आप इजीली उसे रीड कर सकते हो मैसेज रिसीव करने के बाद। और अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आपको पता है आपको होम पेज पे स्वाइप राइट करना है और आप जो मैसेज है उससे एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। फिर है ऑटो HR ट्रैकर। तो बाय डिफॉल्ट हार्ट रेट का जो सेटिंग्स है ऑटोमेटिक पे सेट किया गया है और जो टाइम सेट किया गया है 30 मिनट, मतलब कि हर आधे घंटे के बाद ऑटोमेटिकली हार्ट रेट मेजर हो रहा है इस वॉच में। लेकिन इससे बैटरी ज्यादा यूज हो सकती है, इसलिए आप चाहो तो 60 मिनट कर सकते हो, मतलब हर एक घंटे के बाद हार्ट रेट मेजर होता रहेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक पे सेट नहीं करना चाहते तो आप इसे ऑफ कर सकते हो। अब हार्ट रेट जो होगा ऑटोमेटिक मेजर नहीं होगा, आप जब चाहे तब मैन्युअली अपने वॉच से हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव। फिर है फाइंड माय वॉच। अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच 5 बार वाइब्रेट करेगी। तो अगर आपकी वॉच पास में कहीं पे पड़ी हुई है, आपको मिल नहीं रही है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, टैप कीजिए। और लास्ट में है गूगल फिट का ऑप्शन। तो अगर आप इस डेटा को, इस ऐप में जो भी डेटा है आपका, स्टेप्स, किलो कैलोरी, डिस्टेंस, अगर आपको उसे सिंक करना हुआ, सेव करना हुआ गूगल फिट ऐप में, तो आप गूगल फिट ऐप के साथ सिंक कर सकते हो। आपको कनेक्ट पे टैप करना है तो आपका जो गूगल अकाउंट है यूज होगा गूगल फिट में। तो जो भी डेटा है इस ऐप में वो सेम डेटा आपको गूगल फिट में भी शो करेगा। फिर है सेटिंग्स। तो इसमें पहला ऑप्शन है माई गोल्स का, आप अपने जो गोल्स है उन्हें चेंज कर सकते हो। जैसे कि है पहला स्टेप्स गोल, आप रोजाना कितने स्टेप चलना चाहते हो आप यहां से उस गोल को चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप रोजाना कितने घंटे सोना चाहते हो तो स्लीप गोल यहां से आप चेंज कर सकते हो जब चाहे तब इस तरीके से। फिर है वॉच सेटिंग्स। इसमें पहला मिलेगा आपको ऑप्शन वेक जेस्चर का, अगर ये ऑन है इसका मतलब है कि डिस्प्ले अगर ऑफ है, अगर आप वॉच को अपनी ऊपर उठाते हो डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा, इसे कहते हैं वेक जेस्चर। आप इसे ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको यूज नहीं करना हुआ तो। इसके अलावा डिस्टेंस यूनिट आपको कौन सा यूज करना है तो हम करेंगे किलोमीटर्स। टाइम फॉर्मेट, आप दो तरीके से टाइम फॉर्मेट को शो कर सकते हो अपनी वॉच में, एक होता है 12 आवर और एक होता है 24 आवर। आपको जिस फॉर्मेट में टाइम को शो करना है आपको उस फॉर्मेट को यहां पे चूज करके करना है। ओके फिर है टेम्परेचर यूनिट। जैसे कि आपको पता होगा इस वॉच में आपको मिलता है टेम्परेचर सेंसर, आप अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसे मेजर कर सकते हो। तो आपको इसे कौन से यूनिट में मेजर करना है आप दोनों में से एक यूनिट को सेट कर सकते हो, फेरनहाइट या फिर सेल्सियस। नॉर्मली हम बॉडी टेम्परेचर फेरनहाइट में ही मेजर करते हैं, तो हम करेंगे फेरनहाइट और करेंगे ओके। और बाद में है DND, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी और कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा, तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं यहां से डायरेक्टली, या फिर आप शेड्यूल के हिसाब से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। इसे ऑन कीजिए और आप यहां पे टाइम सेट कीजिए, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम,
जो टाइम आप यहां पे सेट करोगे उस टाइम के दौरान डीएनडी वर्क करेगा, मतलब आपकी वॉच में नोटिफिकेशन नहीं आएगी, वाइब्रेशन नहीं होगा और फिर आपको करना है सेव। फिर है डिस्कनेक्ट वॉच, तो यहां से आप अपनी वॉच को अनपेयर कर सकते हो। आपको ये बार बार नहीं करना है, आपको ये तभी करना है जब आप किसी दूसरी वॉच को पेयर करना चाहते हो, या आप इस वॉच को यूज नहीं करना चाहते, या आप इस वॉच में कोई इश्यू फेस करते हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आप इसे यूज करोगे तो आपकी वॉच को वापस पेयर करने के लिए आपको सभी प्रोसेस पहले से करनी पड़ेगी। फिर अबाउट योर डिवाइस में आप अपनी वॉच का फर्मवेयर वर्जन, मॉडल नंबर, ऐप वर्जन चेक कर सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन यूजर मैनुअल रीड करना हुआ तो आप यहां से रीड कर सकते हो। और इसके बाद है हेल्प एंड फीडबैक। इसमें जो काम की चीज है वो है ऐप कॉन्फ़िगरेशन। इसमें दो चीजें आपको करनी है, एक तो आपको इस ऐप को करना है बैकग्राउंड में लोग किस ऐप, मतलब कि जो ऐप होगा बैकग्राउंड से कभी भी रिमूव नहीं होगा। इसके अलावा आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और आपको इसे करना है अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब कि जो ऐप होगा बैकग्राउंड में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के बैटरी को यूज कर पाएगा, ताकि वॉच और ऐप बैकग्राउंड में ठीक से सिंक रहे हमेशा। फिर है कॉन्टैक्ट अस, तो यहां पे दिया गया है इनका ईमेल आईडी, तो अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल पे उन्हें लिख सकते हो। इसके अलावा फिर है फीडबैक, आपका कोई भी सुझाव है या आप कोई भी इश्यू फेस करते हो तो आप अपना जो सुझाव है या कोई भी इश्यू है आप यहां पे लिख कर सेंड कर सकते हो, डायरेक्ट जाएगा ये बोट वालों को। फिर है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब फैक्ट्स, तो जो भी जनरल क्वेश्चन से कॉमन क्वेश्चन आंसर यहां पे दिए गए हैं इस वॉच के रिलेटेड, आप यहां पे उन क्वेश्चन आंसर को रीड कर सकते हो। अब बात करते हैं होम पेज की। जैसे आप होम पे टैप करोगे तो ये है एक्टिविटी पेज, आज का डेटा, तो ये है स्टेप्स, इस पे टैप कीजिए। ये है आज के स्टेप्स, आज आप कितने स्टेप्स चले हो, कितनी किलो कैलोरी आपने बर्न की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, और यहां पे ग्राफ पे टैप करके कितने बजे आप कितने स्टेप्स चले हो यहां पे शो करता है। और अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो कैलेंडर के आइकन पे टैप करके उस दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज चेक करना हुआ तो हिस्ट्री पे टैप कीजिए। यह है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज आप चेक कर सकते हो और आप इस डेटा को शेयर भी कर सकते हो। इसके बाद है हार्ट रेट, तो इस पर टैप कीजिए। तो ये है आज का डेटा, मिनिमम आज कितना पहुंचा था हार्ट रेट और मैक्सिमम कितना पहुंचा था यहां पे ग्राफ वाइज शो करता है। आप देख पा रहे हो कितने बजे कितना हार्ट रेट आपका मेजर हुआ था, ये ऑटो पे था तब यहां पे शो कर रहा है, और मैन्युअली आपने मेजर किया होगा वो भी यहां पे शो करता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो कैलेंडर के आइकन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। अगर आपको डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज चेक करना हुआ तो यहां पे टैप कीजिए, आप यहां से डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद है टेम्परेचर, तो आपने टेम्परेचर अगर मेजर किया होगा या ऑटो पे सेट किया होगा तो हर एक घंटे में टेम्परेचर शो करता है, लास्ट टाइम कब मेजर किया गया था, कितना आया था यहां पे शो करता है, और हर घंटे के हिसाब से यहां पे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है शो करता है सेल्सियस और फेरनहाइट में। और अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हो तो यहां पे टैप करके आप उस दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहां पे टैप करके आप डेली का जो रिकॉर्ड है डे वाइज चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है SpO2, तो अगर आपने SpO2 मेजर किया होगा अपनी वॉच में तो यहां पे शो करता है, लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था, कितना आया था यहां पे शो करता है। इस तरीके से ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कि एवरेज आपका कितना है, आज के लिए कितने बजे आपने मेजर किया था, और यहां पे टैप करके आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो और आप इसे शेयर भी कर सकते हो। फिर है स्लीप स्कोर, तो अगर आप अपने वॉच को पहनोगे सोते हुए तो आपको मिलेगा स्लीप डेटा, तो यहां पे टैप कीजिए। आप टोटल कितने घंटे सोए थे, कितने बजे आपको नींद लगी, कितने बजे आप जागे, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रेम, अवेक टाइम कितना है यहां पे शो करता है। रेम का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट, जब आप सोते हो, सपने देखते हो, सब कॉन्शियस माइंड में होते हो तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से बाहर, वो टाइम भी यहां पे रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा आपका स्लीप स्कोर कितना है यहां पे शो करता है, टोटल स्लीप, डीप स्लीप कितने टाइम की थी, वैसो मतलब कि वेकफुलनेस आफ्टर स्लीप ऑनसेट, कितने बार आप बीच रात
जागे थे यहां पे शो करता है, और स्लिप कंसिस्टेंसी कैसी है आपकी यहां पे शो करता है, मतलब आप रोज सेम टाइम पे सोते हो कि नहीं, यहां पे रेगुलर कंसिस्टेंट ऐसे शो करेगा। और आप इस पे टैप करके किसी भी दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से, और आप यहां पे टैप करके डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है एनर्जी मीटर, मतलब आप कितनी एनर्जी गेन करते हो और कितनी ड्रेन करते हो उसके हिसाब से आपकी एनर्जी यहां पे मेजर होती है, हर एक घंटे ऑटोमेटिकली यहां पे मेजर होती है। लास्ट टाइम कब मेजर की गई थी, कितना आया था यहां पे शो करता है, और हर घंटे के हिसाब से यहां पे चेक कर सकते हो। एनर्जी मीटर में आपको मिलते हैं पॉइंट आउट ऑफ 100, 100 में से आपको कितने पॉइंट मिलते हैं यहां पे शो करता है। जितनी ज्यादा आप वर्कआउट करोगे, जितनी अच्छे आप स्लीप लोगे, उतना अच्छा आपको मिलेगा एनर्जी स्कोर। इस पर टैप करके आप किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, या फिर इस पर टैप करके आप डेली का जो रिकॉर्ड है उसे चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है वेलनेस क्रू, तो आप यहां पे अपने फैमिली फ्रेंड्स को और फैमिली डॉक्टर को ऐड कर सकते हो। आप जिन्हें भी ऐड करोगे, आप एक दूसरे का जो वाइटल्स है उन्हें देख सकते हो। तो आपको करना है नेक्स्ट, फिर आपको प्लस के स्थान पर टैप करके कॉन्टैक्ट को ऐड करना है, डॉक्टर को भी आप ऐड कर सकते हो। जितने भी कॉन्टैक्ट आप यहां पर ऐड करोगे उन सभी के साथ आप अपने जो वाइटल्स है उन्हें शेयर कर सकते हो, सभी लोग एक दूसरे के वाइटल्स को देख पाएंगे। और फिर लास्ट में आपने जो लास्ट टाइम वर्कआउट किया था यहां पे शो करता है। अगर आपको सभी वर्कआउट को देखना हुआ एक साथ, जितने भी वर्कआउट आपने किए हैं, तो आपको एक्टिविटी पे टैप करना है, और फिर आपको करना है हिस्ट्री पे टैप। तो आपने जो भी वर्कआउट किए हैं अब तक पहले से लेकर यहां पे शो करेंगे। आपको जिसके बारे में डिटेल में जानना हुआ उस पर टैप कीजिए। तो ये वॉकिंग के लिए कितने बजे आपने किया था, कितने टाइम के लिए किया था, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया था, एवरेज हार्ट रेट कितना था आपका, मिनिमम मैक्सिमम हार्ट रेट आपका कितना पहुंचा था, स्टेप्स आप कितने चले थे, किलो कैलोरी कितनी बर्न हुई थी, और आपका पेस कितना था। पेस का मतलब अगर आप एक किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा। इसके बाद आपका हार्ट रेट कौन से जोन में था, कितने टाइम के लिए था यहां पे शो करता है। आपके स्टेप्स हर मिनट के हिसाब से कैसे चेंज हुए थे, और हर मिनट के हिसाब से आपका हार्ट रेट कैसे चेंज हुआ था यहां पे शो करता है। और आप इस डेटा को शेयर भी कर सकते हो इस तरीके से। जैसे कि आपको पता होगा इस वॉच का नाम है एक्सटेंड स्पोर्ट, मतलब कि इसमें आपको मिलते हैं 700 प्लस एक्टिव मोड। छोटी से छोटी एक्टिविटी भी आप वर्कआउट मोड में ऐड कर सकते हो। तो आपको ऐड कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहां पे बता दे कि जो ये वर्कआउट मोड है एक्टिविटीज में, यहां पे है अब वॉकिंग, ट्रेडमिल, रनिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, योगा, डांसिंग, इंडोर साइकिलिंग, क्रिकेट, बॉक्सिंग, कराटे, टेबल टेनिस, पिलेट्स, स्कीपिंग, हाइकिंग, हॉकी, कबड्डी, बॉलिंग। अब इनमें से आपको किसी भी एक को निकाल के उसे रिप्लेस करना हुआ तो आप यहां से कर सकते हो। मान लो मुझे पिलेट्स की जगह पे कोई और ऐड करना है जो मैं नॉर्मली रोज करता हूं, तो मैं इस पे टैप करूंगा, डन करूंगा। मान लो मुझे कोई ऐसा एक वर्कआउट ऐड करना है जो मैं रोज करता हूं, तो मैं करूंगा होम एक्टिविटीज पे टैप, नेक्स्ट। ये सब कैटेगरी है। अब जैसे कि यहां पे देखो स्वीपिंग है, मतलब सफाई करना, फ्लोर स्वीपिंग, कार्पेट स्वीपिंग, हेवी क्लीनिंग, मोपिंग, विंडो क्लीनिंग, मोपिंग, पॉलिश फ्लोर, कई सारे ऐसे एक्टिविटी है जो आप रोज करते हो, छोटी छोटी एक्टिविटी है, वो सभी यहां पे शो करेंगी। अब मान लो मुझे करना है फ्लोर स्वीपिंग, मतलब साफ सफाई करना, तो मैं टैप करूंगा इस पे और करूंगा नेक्स्ट। और अब इसे किसके प्लेस पे रिप्लेस करना है, तो मैं करूंगा पिलेट्स के प्लेस पे, तो पिलेट्स पे आपके टैप करना है पिलेट्स पे और करिए कंफर्म। अब पिलेट्स के प्लेस पे आ जाएगा फ्लोर स्वीपिंग, डन। तो आप देखोगे अब यहां पे एक्टिविटीज में फ्लोर स्वीपिंग आ चुका है पहले में ही। तो इस तरीके से आप अलग अलग एक्टिविटी में से कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी को ऐड कर सकते हो और उसे रिप्लेस कर सकते हो। जो भी पहले से यहां पे दी गई है एक्टिविटीज, उनके प्लेस पे आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको सब कुछ पहले की तरह करना हुआ तो आपको इस बटन पे टैप करना है कॉर्नर में, और आपको करना है रिसेट टू डिफॉल्ट। अगर आप इस पे टैप करोगे पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। जो पहला टैब है वो है वाइटल्स का, तो आपके जो भी वाइटल्स है आप यहां पे चेक कर सकते हो एक साथ, स्टेप्स, हार्ट रेट, टेम्परेचर, SpO2, स्लीप स्कोर, एनर्जी मीटर, सेडेंटरी टाइम, मतलब कितनी बार आपको सेडेंटरी अलर्ट मिला था,
और आपका बीमा कितना है आपके हाइट और वेट के हिसाब से, आप इनके बीच में इस तरीके से स्विच कर सकते हो। यह है स्टेप्स, हार्ट रेट, टेम्परेचर, स्लीप, SpO2, एनर्जी मीटर। फिर जो दूसरा टैब है वो है बडीज का, तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड को ऐड कर सकते हो। अगर कोई भी बंदा बोडकास्ट ऐप का यूज करता है तो आप उसे ऐड कीजिए, आप एक दूसरे के साथ मैसेज ऐप की तरह चैटिंग कर सकते हो। यहां पे आपको प्लस के साइन पे टैप करके उस कॉन्टैक्ट को ऐड करना है, और उसके बाद यहां पे आपको मिलेगा ट्रॉफी का जो आइकन है वो है बैच के लिए। तो आप अगर कोई भी अचीवमेंट या अपना गोल अचीव करते हो तो आपको मिलेगा अलग अलग बैच, तो आपको टैप करना है व्यू बैजेस पे, तो आपको मिलेंगे इस तरीके से अलग अलग बैजेस। आपने जो भी अचीव किए बैच आपको शो माय बैजेस पे टैप करना है, यहां पे शो करेंगे। और हर एक बैच आपको कब मिलेगा तो आई के बटन पे टैप कीजिए, ये बैच आपको कब मिलेगा, आप अगर इन गोल्स को कंप्लीट करोगे तो आपको ये बैच मिलेगा इस तरीके से। ये था इस ऐप के बारे में, ये थे वो सेटिंग्स और फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं इस ऐप में। अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स देखने मिलते हैं। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके तीन काम, अगर आप होम पेज पे हो ऐसे में अगर आपको मेन मेनू को एक्सेस करना हुआ तो इस पर प्रेस कीजिए, आप मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो और आपको अगर वहां से बैक आना हुआ स्टेप बाय स्टेप तो आप इस पर प्रेस कीजिए, आप इस तरीके से बैक कर सकते हो। और अगर आप जेस्चर का यूज करके भी बैक करना चाहोगे तो आप बैक कर सकते हो, आपको ऐसे स्वाइप करना है राइट में बैक करने के लिए। और अगर आप होम पेज पे होते हो और अगर आपने इस पे लॉन्ग प्रेस किया तो आप अपनी वॉच को रिस्टार्ट स्विच ऑफ कर सकते हो, और पहले से अगर स्विच ऑफ है तो उसे आप स्विच ऑन कर सकते हो। जैसे आप होम पेज पे स्वाइप अप करोगे तो आप यहाँ पे जो क्रिकेट के लाइव स्कोर है उसे चेक कर सकते हो, जो आपने सेटिंग्स की है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको स्कोर शो करेंगे। और अगर आप होम पेज पे स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, बैटरी परसेंट, आज की डेट और डे यहाँ पे शो करता है। सबसे पहला है DND, अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी और वाइब्रेशन नहीं होगा। इसके अलावा इसके बाद है स्क्रीन ऑन का फीचर, अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपने जितने टाइम के लिए सेट किया है स्क्रीन ऑन उतने टाइम के लिए आपकी स्क्रीन ऑन रहेगी, तो मैक्सिमम आप 5 मिनट तक अपनी वॉच की डिस्प्ले को ऑन रख सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, और यह है एडवांस, यहां पे होगा स्क्रीन ऑन। अब मैंने यहां पे किया है मान लो मैक्सिमम 5 मिनट, ठीक है, और ओके करूंगा। इसके बाद अगर मैं इसे ऑन करूंगा, ठीक है, मैंने इसे ऑन कर दिया है, तो अब ये जो वॉच है 5 मिनट के लिए ऐसे ही ऑन रहेगी, ये स्लिप नहीं होगी। इसके बाद आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस को यहां से एडजस्ट कर सकते हो स्लाइड करके। फिर है फाइंड माय फोन, तो आप यहां से अपने फोन को ढूंढ सकते हो। अगर आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है आपको मिल नहीं रहा है तो आप यहां पे टैप करके अपने फोन में रिंग कर सकते हो। अगर आपका फोन साइलेंट पे भी होगा फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी इस तरीके से, फ्लैश भी होगा, स्टॉप करने के लिए बैक करिए। फिर है अलार्म का ऑप्शन, तो यहां पे टैप करके आप अलार्म को ऐड कर सकते हो। आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, टाइम सेट करना है, नेक्स्ट कीजिए, डे सिलेक्ट कीजिए कौन से दिन के लिए अलार्म चाहिए, फिर कीजिए ओके। तो आप इस तरीके से अलार्म को ऐड कर सकते हो, आप एक साथ यहाँ पे 5 अलार्म को ऐड कर सकते हो। अगर आपको इसे चेंज करना हुआ तो उस पर टैप कीजिए, आप यहां से उसका टाइम चेंज कर सकते हो इस तरीके से, और फिर डे भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको इसे डिलीट करना हुआ तो आप यहां से उसे डिलीट भी कर सकते हो। जो टाइम आपने सेट किया है जब वो टाइम आएगा तो आपके वॉच में अलार्म का रिमाइंडर आएगा वाइब्रेशन के साथ। और फिर है सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर टैप कीजिए। सबसे पहला है डिस्प्ले, तो इसमें है वॉच फेस, आप यहां से चेंज कर सकते हो स्वाइप करके, आपको जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए वो सेट हो जाएगा। या फिर आप होम पेज पे अगर आप लॉन्ग टैप करोगे और स्वाइप करोगे तो आप इस तरीके से भी जो वॉच फेस है उसे चेंज कर सकते हो। फिर डिस्प्ले में है एडवांस में पहला ऑप्शन स्लिप का, तो आपको कितने सेकंड के लिए डिस्प्ले को ऑन रखना है यहां पे आप टाइम सेट कर सकते हो। मैंने किया है 20 सेकंड तक डिस्प्ले ऑन रहेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद है स्क्रीन ऑन, तो आप मैक्सिमम 5 मिनट के लिए डिस्प्ले को ऑन रख सकते हो, ओके करिए। और जो भी आपने यहां पे टाइम सेट किया है अगर आपको उसे ऑन करना हुआ तो आपको यहां से ऑन ऑफ करना है, ये अब ऑन है मतलब कि 5 मिनट तक डिस्प्ले ऑन ही रहेगी। अगर आपको इसे ऑफ करना है तो ऑफ कीजिए, अब डिस्प्ले
20 सेकंड तक ऑन रहेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। अगर आपको 5 मिनट वाला करना है तो इस पर टैप कीजिए, अब डिस्प्ले 5 मिनट के लिए ऑन रहेगी। फिर है वाइब्रेशन, तो आप यहां पे सॉफ्ट रख सकते हो बैटरी सेव करने के लिए, हल्का सा वाइब्रेशन आपको फील होगा। अगर आपको ज्यादा चाहिए स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन तो स्ट्रॉन्ग पे रखिए, लेकिन अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो फिर आप नन पे सेट कर सकते हो। फिर है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, तो आप अगर चाहते हो कि आपकी वॉच में कोई भी नोटिफिकेशन ना आए, वाइब्रेशन ना हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो ऑल डे पूरे दिन के लिए, या आप शेड्यूल के हिसाब से भी कर सकते हो। आपको इसे ऑन करना है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम यहां पे आपको सेट करना है, जो टाइम आप यहां पे सेट करोगे उस टाइम के दौरान डीएनडी वर्क करेगा। फिर है सिस्टम, इसमें आपको मिलेंगे अलग अलग ऑप्शंस, जैसे रिस्टार्ट करने का ऑप्शन है, स्विच ऑफ करने का ऑप्शन है, और इस वॉच को फैक्ट्री रिसेट करने का भी ऑप्शन यहां पे दिया गया है। और इसके बाद है डाउनलोड ऐप, बोटकास्ट ऐप को डाउनलोड करने का एक QR कोड है, इसे स्कैन करिए, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हमने पहले ही कर लिया है तो अब इसका काम नहीं है। और फिर है अबाउट, आप यहां पे इस वॉच का मॉडल नेम, मैक एड्रेस और वर्जन चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की, तो अगर आप स्वाइप करोगे लेफ्ट में तो ये है स्टेप्स, आज आप कितने स्टेप्स चले हो, कितनी किलो कैलोरी आपने बर्न की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, स्वाइप अप कीजिए। पिछले 7 दिन का रिकॉर्ड आपको यहां पे शो करेगा, वीक वाइज आप यहां पे चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद है हार्ट रेट, तो आपको मेजर करने के लिए मेजर पे टैप करना है, ये मेजर हो जाएगा, स्वाइप अप कीजिए। आज का जो हार्ट रेट है कैसे मेजर हुआ है टाइम के हिसाब से यहां पे ग्राफ पे शो करता है, आज का मैक्सिमम मिनिमम हार्ट रेट कितना था, एवरेज कितना था, यहां पे शो करता है। इसके बाद इसके आगे है SpO2, मेजर पे टैप कीजिए, ये स्टार्ट हो जाएगा, स्वाइप अप कीजिए, तो आज आपका SpO2 कैसे मेजर हुआ है टाइम के हिसाब से यहां पे शो करता है ग्राफ में। फिर इसके बाद है टेम्परेचर, तो यहां पे टेम्परेचर आपका शो करेगा, स्वाइप अप कीजिए, और आपका टेम्परेचर हर 1 घंटे मेजर होता है अपने आप ऑटोमेटिकली, तो कितना आया है यहां पे शो करेगा, और आज का मैक्सिमम कितना पहुंचा है, मिनिमम कितना है, यहां पे शो करता है। इसके बाद है आगे स्लीप डेटा, तो आज आप कितने घंटे सोए थे टोटल, स्वाइप अप कीजिए, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रेम, अवेक टाइम कितना यहां पे शो करता है, और पिछले 7 दिन का आपका रिकॉर्ड कैसा है यहां पे शो करता है। फिर इसके बाद है म्यूजिक डेटा, तो आप यहां पे प्ले कर सकते हो म्यूजिक को, नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप। फिर इसके बाद है नोटिफिकेशन, तो आप जो भी नोटिफिकेशन रिसीव करोगे आपको यहां पे शो करेंगे, आप एक साथ 10 नोटिफिकेशन को देख सकते हो। अगर आपको किसी को भी रीड करना हुआ तो उस पर टैप कीजिए, आप इस तरीके से उसे रीड कर सकते हो। और अगर आपको किसी नोटिफिकेशन को डिलीट करना हुआ तो आप एक एक को नहीं कर सकते, आपको सभी को क्लियर करना पड़ेगा, नीचे मिलेगा आपको ऑप्शन डिलीट ऑल का, सभी को आप एक साथ डिलीट कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन मेनू की, बटन पे प्रेस कीजिए, ये है मेन मेनू, सबसे पहला है एक्टिविटीज, इस पर टैप कीजिए, आपको मिलेंगे यहां पे अलग अलग एक्टिविटी, आपको जिसे स्टार्ट करना है उस पर टैप कीजिए, वो स्टार्ट हो जाएगा। टैप करने के बाद आपका हार्ट रेट कितना चल रहा है अभी, पेस कितनी है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितना टाइम हुआ है, इसके अलावा स्टेप्स आप कितने चले हो, कैलोरी कितनी बर्न हुई है, यहां पे आप चेक कर सकते हो। म्यूजिक को यहां पे शॉर्टकट तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, और ऐसे स्वाइप करने के बाद आप इसे पॉज कर सकते हो, या फिर आप इसे प्ले भी कर सकते हो और इसे एंड भी कर सकते हो इस तरीके से। मिनिमम आपको 1 मिनट के लिए करना है इसे सेव करने के लिए, और जो भी आप एक्टिविटी करोगे अगर आपको उसे देखना हुआ तो आपको मिलेगा एक्टिविटी रिकॉर्ड्स में, इस पर टैप कीजिए, यह है वो एक्टिविटी जो आपने रिकॉर्ड की है, इस पर टैप कीजिए। यह है वॉकिंग के लिए, कौन सी तारीख को कितने बजे किया था आपको यहां पे शो करता है, और जो डेटा है कितने टाइम के लिए किया था, कितना डिस्टेंस कवर किया था, कितनी किलो कैलोरी आपने बर्न की थी, एवरेज हार्ट रेट कितना था, स्टेप्स कितने चले थे और एवरेज पेस कितनी थी, यहां पे शो करता है इस तरीके से। फिर है हार्ट रेट, तो आप यहां से भी मेजर कर सकते हो हार्ट रेट को, SpO2 को भी आप यहां से मेजर कर सकते हो, स्लीप डेटा आप यहां से भी चेक कर सकते हो, टेम्परेचर आप यहां से भी मेजर कर सकते हो, ब्रीथ एक्सरसाइज, तो 2 चीजें आपको सेट करनी है, एक तो पहले टाइम 1, 2 या 3 मिनट इस तरीके से, इसके बाद स्पीड मॉडरेट फास्ट या स्लो, फिर आपको करना है ओके, फिर करिए स्टार्ट। जैसे ये सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है छोड़नी है, मतलब अब सांस लेनी है इनहेल मतलब, और उसके बाद अब सांस छोड़नी है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है।
स्टॉप करने के लिए बैक करिए, टिक पे टैप कीजिए। फिर आगे है नोटिफिकेशन, आप यहां से भी चेक कर सकते हो सभी नोटिफिकेशन को। फिर है स्टॉपवॉच, तो यहां पे आप स्टार्ट कर सकते हो स्टॉपवॉच को, आप मैक्सिमम यहां पे 20 लैप्स को क्रिएट कर सकते हो। स्टॉप कीजिए, रिसेट बैक। फिर है टाइमर का ऑप्शन, तो यहां पे अलग अलग टाइमर है 2 घंटे तक, लेकिन आप कस्टम पे टैप करके मैक्सिमम 23 आवर 59 मिनट 59 सेकंड तक यहां पे टाइमर को स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। स्टॉप कीजिए, बैक आइए। फिर है अलार्म जो हम देख चुके हैं। फिर है फ्लैश लाइट, तो आप यहां से ऑन कर सकते हो, बैक करिए ऑफ करने के लिए इस तरीके से। फिर है कैमरा कंट्रोल, टैप कीजिए यहां पे वाइल यूजिंग दी ऐप कीजिए। टाइमर को आप चेंज कर सकते हो, अभी टाइमर है फिलहाल 1 सेकंड का, आप यहां पे टाइमर मैक्सिमम कर सकते हो 10 सेकंड तक। तो मान लो मैंने किया है 2 सेकंड का, ओके करूंगा तो मैं टैप करूंगा, 2 सेकंड के बाद जो फोटो होगी कैप्चर हो जाएगी। फिर है म्यूजिक कंट्रोल जो हम देख चुके हैं, इसमें है कैलसी कैलकुलेटर, तो काफी काम की ये चीज है, तो आप यहां पे कैलसी का यूज कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन आप यहां पे आसानी से कर सकते हो। फिर है स्टेप्स जो हम देख चुके हैं। फिर है गेम, एक गेम दिया गया है बर्ड का, इसे आपको हाइट पे मेंटेन करना पड़ता है, ऑब्स्टेकल से टकराना नहीं है आपको। फाइंड माय फोन जो हम देख चुके हैं, और फिर है सेटिंग्स जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको मिलते हैं इस ऐप में, और ये था फुल सेटअप गाइड बोट एक्सटेंड स्पोर्ट स्मार्ट वॉच का। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।